आए दिन देश के कई राज्यों से लव जिहाद की खबरें सामने आ रही हैं। लोगों के अंदर गुस्सा है। इस बीच रुबीना चर्चा में है क्योंकि रुबीना को बेगम बनना था, लेकिन रुबीना बेगम न बनकर अवस्थी बन गई। जी हाँ, रुबीना बेगम रूबी अवस्थी बन गई। कैसे, आइए दिखाते हैं। दरअसल ये मामला योगी बाबा के गढ़ का ही है। यूपी के बहराइच की रहने वाली रुबीना बेगम ने अपने बॉयफ्रेंड शेष कुमार अवस्थी से शादी कर ली। 3 बार कबूल है बोलने की बजाय रुबीना ने शेष कुमार के हाथ से मांग में सिंदूर भरवाने में अपनी खुशी समझी और रुबीना बेगम रूबी अवस्थी बन गई। बात यही खत्म हो जाती तो अच्छा था, लेकिन इस मामले ने नया मोड़ ले लिया और बात कोर्ट तक पहुंच गई। कोर्ट ने क्या कहा वो आपको आगे बताएंगे। उससे पहले ये बता देते हैं कि सब जितना आसान दिख रहा था उतना था नहीं। दो प्रेमी को आसानी से मंजूर मिल जाए ये हो ही नहीं सकता। जब तक बाधा या दीवार बनकर कोई खड़ा ना हो तब तक प्यार मुकम्मल कैसे हो सकता है। बता दें कि शेष कुमार अवस्थी के घर वाले तो खुश हैं इस शादी से, लेकिन रुबीना यानी रूबी के घर वालों ने तांडव मचा दिया। हालांकि पुलिस की सुरक्षा में दोनों की मोहब्बत मुकम्मल हो पाई। अब आपको ये भी बताते चलें कि आखिर दोनों के प्यार की शुरुआत हुई कहां से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूबी और शेष दोनों ही शिवपुरा गाँव के रहने वाले हैं। दोनों की मुलाकात लगभग 2 साल पहले हुई थी। रूबी की उम्र 18 साल है और वो बैचलर की छात्रा है। वहीं शेष 21 साल का है और प्राइवेट नौकरी करता है। लगभग 15 दिन पहले दोनों शादी करने के लिए गांव से भागकर मुंबई चले गए। इस बात की शिकायत लड़की पक्ष के परिवार ने पुलिस से कर दी। उन लोगों ने शेष के खिलाफ उनकी बेटी को भगाने का केस दर्ज करवाया। परिवार का कहना था कि उनकी बेटी नाबालिग है और शेष उसको बहला फुसला कर ले गया। गाँव में माहौल तनावपूर्ण देखते हुए पुलिस ने दोनों को मुंबई से बरामद कर लिया। उसके बाद युवती को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। वहीं लड़के को पुलिस हिरासत में रखा गया। 3 जून को दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वहां युवती के बयान लिए गए। वहीं लड़के का भी बयान लिया गया। इसमें दोनों ने कोर्ट पे कहा कि वो शादी करना चाहते हैं। वहीं लड़की ने अपनी मार्कशीट भी दिखाई जिससे वो बालिग साबित हो रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को अपने मन से शादी करने की परमिशन दे दी। 6 जून को वकील दिनेश जायसवाल ने रुबीना के हिंदू बनने के पेपर तैयार करवाए। उसके बाद पुलिस सुरक्षा में दोनों की शादी करवाई गई। दरअसल देहात कोतवाली क्षेत्र में शिवपुरा ग्राम सभा है, वहाँ के रहने वाले शेष कुमार अवस्थी ने ये रूबी के नाम की लड़की से, इन लोगों ने, ये प्रेम था इनको, फिर ये कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए थे। उसके घर वाले, लड़की के घर वाले इस शादी से राजी नहीं, तो उन्होंने एक FIR पंजीकृत कराया था देहात कोतवाली में। फिर इनको पुलिस ले करके आई, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय पर इनका बयान हुआ जिसमें लड़की ने बताया कि अपनी मर्जी से हम गए थे और हम शेष कुमार के साथ ही रहना चाहते हैं अपना, और न्यायालय ने उनका 164 का बयान लिया। और फिर उनके माता पिता की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स IU ने कलेक्ट किया था। अंततः न्यायालय ने उसको बालिग माना और बालिग मानते हुए फिर उसकी इच्छा पर स्वतंत्र कर दिया कि जहाँ पर वो जाना चाहे पुलिस सुरक्षा में उसको भेज दिया जाए। रुबीना से रूबी अवस्थी बनी मुस्लिम युवती के ससुर कन्हैया लाल अवस्थी का कहना है कि हमें धर्म से फर्क नहीं पड़ता, लड़की की कोई जात नहीं होती। रुबीना से रूबी अवस्थी बन चुकी युवती हमारी बहू है। दोनों की शादी के बाद लड़के के पिता का कहना है कि वो इस शादी से बहुत खुश हैं। उनके परिवार ने रूबी को दिल से अपनाया है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म की है, वो अब हमारी बहू है। मेरा तो आशीर्वाद दोनों के साथ है, दोनों हमेशा खुश रहें और साथ रहें। लड़की को अपना लिया है और उसका नाम रूबी अवस्थी कर दिया है और उसको हमने स्वीकार कर लिया। अब उनको सब यह है कि अपन खाए कमाए मजम रहें और अपन सुरक्षित से रहें बस। ना सर कोई आपत्ति नहीं, लड़की में कुंवारी लड़की में कोई जात नहीं होती है, जिसके साथ जाए उसी की जात। VK News, राष्ट्र के नाम।